हाय एवरीवन, और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। और सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, बहुत बहुत मुबारक हो। कान्हा जी का बर्थडे और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हम सब ने, और खूब डिशेस बनाई जितना हो सके। भगवान को अपना जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से डिशेस बनानी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। जो भी हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। तो वही उसको जितना मेरी मैं बना सकी और कर सकी वो मैंने किया। यही सब आप देख रहे हो उस समय जो भी था। काफ़ी चीज़ें बनाई मैंने और खूब मज़े से कान्हा जी का बर्थडे एंजॉय करा और जन्माष्टमी के मज़े लिए। आप देखिएगा ये रेसिपी मैं आपके साथ कुछ मैंने सोचा शेयर करती हूँ। तो ये है मेवा पाक की रेसिपी, जिसमें ये मैं गोंद दिखा रही थी आपको। जो गोंद होता है ना, ड्राई गोंद आता है वो है जो इसमें मेवा पाक में डलता है। उसको पहले इस तरीके से ना घी में थोड़ा थोड़ा डाल के भून लेते हैं, तो ये बिल्कुल फूल जाता है, क्रिस्पी हो जाता है। और ये इस तरीके से मैंने इसे भून लिया, निकाले सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं जितने भी हैं। जो मर्जी आप डाल सकते हो, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो अवेलेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने मखानों में थोड़ा सा घी, पहले घी डाला थोड़ा सा, उसमें मखाने कट करके भून लिए हैं। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भून दें बस, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, और बहुत अच्छे हो जाते हैं एकदम क्रिस्पी, तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा कच्चापन भी निकल जाता है मखानों का। और इसे मैंने कुछ 1-2 मिनट तक भूना, और इसको फिर मैंने इसमें परात में निकाल लिया है। देखो बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली है, और इसमें मैं आधा कटोरी पानी डाल दूंगी, और इसकी हम चाशनी बनाना शुरू कर देंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इतनी देर में हम और काम डालेंगे। थोड़ा सा इसको चलाते रहेंगे और यहाँ चाशनी बन जाएगी। और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने कट कर लिए हैं, ये देखिए। और बताइए आप लोगों ने कैसे कैसे जन्माष्टमी मनाई और क्या क्या किया। और ये रे, मैं प्लेट में थोड़ा सा घी लगा दिया है, और जिससे कि हम जब इसमें ये मेवा पाक डालेंगे ना, पंजीरी भी बोलते हैं इसको, तो चिपकेगी नहीं, वो आसानी से निकल आएगी इसमें हम जमाएंगे जब। तो आप देखिए चाशनी थोड़ा सा उबल रही है, उबलनी शुरू हो गई है। तो इसमें यहाँ पे मैंने बीच बीच में मैं चेक करती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ, और अभी थोड़ी सी पतली है ये, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। इतनी देर में हम और सब काम कर लेते हैं। तो इतनी देर में मैंने ये जितने मखाने थे ना भुने थे, इसको थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश कर लिया है। वैसे ग्राइंड भी कर सकते हो मिक्सी से, लेकिन मिक्सी में वाले में इतना अच्छा वैसा टेस्ट नहीं आता जैसा इस तरीके से। अगर आप थोड़ा सा क्रश कर लोगे ना, मोटे मोटे चंक्स आते हैं मुँह में पंजीरी के, तो बहुत बढ़िया लगता है खाने में। हर ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट आता है उसमें। और ये जो मैंने गोंद भूना था, इसको भी मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया, ये यहाँ पे क्रश कर लिया है ये भी पोटैटो मैशर से, ताकि थोड़ा सा मोटा मोटा पीस इसका मुंह में ना आए, पता भी नहीं चलता है कि ये डाला हुआ है। बच्चों को तो बिल्कुल पता ही नहीं होता। इस तरीके से थोड़ा क्रश कर लिया है, अच्छा रहता है। गोंद को अगर हम पंजीरी में ऐड करते हैं तो थोड़ा सा से है, कहीं आपके दर्द वगैरह है, कोई कमर दर्द वगैरह, उसमें भी फायदा करता है और अच्छा रहता है इससे। तो जिस तरह इस तरीके की जब मेवा पाक बनाते हैं तो हम जरूर डालते हैं उसमें, या लड्डू बनाते हैं कुछ भी, क्योंकि कृष्ण जी का बर्थडे है, तो फिर तो ये सब बनना जरूरी है। जन्म हुआ था कृष्ण जी का आज के दिन, और बहुत ही। अभी देखो ये गाढ़ी हो गई है थोड़ी सी चाशनी, इसमें इस तरीके से तार बना के भी देख सकते हो आप। देखो 2-3 तार बन रहा है इसमें, ये बन चुकी है। थोड़ा सा पानी में डाल के भी चेक कर सकते हो आप। 2 तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है इस समय। इतने जब वाइट वाइट झाग आते हैं ना, तभी भी ये पता चल जाए। देखो पानी में डाल के देखेंगे, अगर ऐसी गोली सी बन रही है ना, यानी ये तैयार है। फिर 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, बस इसमें फटाफट से मेवे ऐड कर दीजिए सारे। ये मैंने काजू काट लिए हैं, बादाम है, किशमिश है, और इधर मखाना है, और गोंद है, मखाना है, गोंद है, नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोकोनट कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो भी ऐड कर सकते हैं, इलायची पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और इसको देखो, अब क्या होता है ना, जैसे ही हम मखाना डालते हैं ना, तो ये एकदम से ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी,
एकदम जम जाता है, क्योंकि तो मखाने एकदम से सोख लेते हैं सारी चाशनी बराबर से। तो यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे इस तरीके से जम जाता है ना, इस टाइम पे मैं गैस जला के इसमें आधा कटोरी पानी डाल देती हूँ, छोटी वाली आधा कटोरी पानी डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा एक तो एक आध बॉयल और ले लेंगे, एक दो बॉयल ले लेंगे, थोड़ा सा इसको मैश करते जाएंगे इस तरीके से। बहुत बढ़िया पंजीरी जमती है, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको मैश कर रही हूँ थोड़ा सा, कि मीन्स सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना, पानी जो चीनी चिपकी हुई है ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा पानी से मिक्स हो जाए। तो अब इस तरीके से मैं यहाँ एक दो बॉयल ले लूँगी, और ये फिर दोबारा से जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, फिर हम इसे जमा देंगे। ये देखो हो तो गया ना पतला पानी डालने से, और थोड़ा सा इस तरीके से करने से बहुत बढ़िया रहता है, और बहुत अच्छी शाइन भी आती है, फिर बहुत अच्छी शाइन आती है चाशनी के मेवा पान के ऊपर, पंजीरी के ऊपर, बहुत बढ़िया रहती है देखने में भी, और पीसीस भी बहुत अच्छे बट जाते हैं एकदम पतले फर्स्ट क्लास, है ना। ये देखो थोड़ा सा इसको और हमने मिक्स कर लिया, अभी भी हम देख में देख चेक कर रही हूँ इसको, इसमें तार बनना शुरू हो जाना चाहिए, मीन्स ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने पानी डाला है तो थोड़ा सा इसको हमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे बॉयल आने चाहिए इसके अंदर, तभी ये अच्छे से जम पाएगा। और यहाँ पर ये देखो तार बनने लग गया है, थोड़ा सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए और भूनेंगे इस तरीके से। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा ना, जैसे कढ़ाई छोड़ रहा है, ये देखो बिल्कुल अलग सा हो रहा है, एकदम हलवा सा बन गया, अलग सा बन गया है, जैसे हलवा हो जाता है इस टाइप से लग रहा है, छोड़ रहा है ये कढ़ाई को, बस यही टाइम है इसको पलटने का। फटाफट से हम गैस बंद कर देंगे, ये देखो कढ़ाई छोड़ रहा है ना ये बिल्कुल, यहाँ गैस बंद कर देंगे, और प्लेट जो मैंने घी लगा के रखी थी उसमें इसको हम निकाल देंगे, किसी भी बर्तन में निकाल सकते हो, और उसमें घी लगाना चाहिए बस। इसे अच्छे से चम्मच से फैला देंगे, शेप दे देंगे जैसे भी आपको देंगे, थोड़ा सा पतला कर देंगे, जितने मोटे पीस आपको रखने हैं उतने मोटे इसको फैलाइए, और बस थोड़ा सा ऐसे पटक पटक के दे देंगे शाइन। ये देखो कितनी बढ़िया मंजीरी जमी है ना, और बहुत बढ़िया। अब इसे हम ऐसे ही रख देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए, है ना, कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही। यहाँ पे मैं बना रही हूँ हरीरा, मैंने उसी कढ़ाई में एक कटोरी ले ली है चीनी और 2 कटोरी पानी डाल दिया है, क्योंकि हरीरा जो होता है थोड़ा पतला होता है, वो पतला पतला ही बनता है, और ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं उसमें, जब जच्चा बच्चा के लिए बनते हैं, बनाया जाता है स्पेशली, और जन्माष्टमी पे तो स्पेशली बनाया जाता है, हमारे ट्रेडिशंस में कुछ ऐसा है तो हम बनाते हैं। देखो ये थोड़ा सा बॉयल आ गया है, 2 बॉयल आ गए, चीनी गल गई है इसमें अच्छे से, चीनी डिजॉल्व हो जाएगी जब इसमें अच्छे से, 1 2 2 3 बॉयल आ जाएंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने काट लिए, बादाम काजू किशमिश मखाने और यही सब कुछ हमने काट के इसके अंदर ऐड कर देना है, बस जितने बड़े पीस रखने हैं आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, इसमें खरबूजे की वीन, तरबूज की वीन, जो भी हो कुछ लोग आप डाल सकते हो, और इसको इसमें एक स्पेशल तड़का जाता है, थोड़ा सा इसमें देसी घी जाता है, देसी घी के साथ अजवाइन का तड़का लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आधी चम्मच, मैंने ज़्यादा देसी घी नहीं डाला है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने बनाया था बस, जस्ट एक एक 1.5 कटोरी मुश्किल से, तो वही है, घी में थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और वो तड़का इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो क्या होगा कि वो एक फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आता है, और हजम भी हो जाता है अच्छे से, जच्चा बच्चा को इसी तरीके से दिया जाता है, और उसमें अजवाइन में और इसमें घी भी ज़्यादा डाला जाता है उस टाइम पे। तो अब ये मैं इधर चढ़ा रही हूँ मखाने की खीर, मैंने आधा किलो दूध ले लिया है, और वही सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं जो जो आपको उसमें ऐड करने हैं, जैसे काजू बादाम किशमिश मखाने सॉरी बेसिकली जब मखाने की खीर है तो मखाने का टेस्ट आना चाहिए, तो मखाने ज़्यादा रखेंगे, और इसमें जो है बाकी ड्राई फ्रूट्स हम कम रखेंगे, तो बस इसी तरीके से कर लेंगे। ये मखाने मैंने काट लिए हैं सारे, दूध में बॉयल आ गया है, जैसे ही बॉयल आया मैंने इसमें मखाने ऐड कर दिए, और अब मैं सारे ड्राई फ्रूट्स काट लूँगी, थोड़ी देर ही मखाने पकेंगे, सिम गैस कर दिए ताकि अच्छे से पकने लग जाएं,
और पक पक के इसका टेस्ट आएगा खीर का। देखो ये हरी ना पक रहा था साइड में सिंगल पे, इसमें थोड़ा सा ऐसे इसकी पहचान नहीं होती हरी रंग की, साइडों में ना घी आने लग जाता है इसमें। अगर साइडों में घी आने लग जाए ऊपर, यानी पक चुका है, वो उसको बंद कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए, इसमें बादाम काजू किशमिश मखाने थोड़े से और के ऐड कर दिए हैं, और अपनी पसंद से आप कम ज़्यादा जितने भी डाल रहे हो डाल सकते हो। बहुत ही यम्मी लगती है ये वाली खीर भी, बहुत ही यम्मी लगती है, एकदम से फर्स्ट क्लास लगती है। और जब इस तरीके से फास्टिंग कर रहे हो, जन्माष्टमी है या कोई सी भी फास्टिंग हो, तो उसमें इस तरीके की खीर वगैरह थोड़ा सा बढ़िया रहती है और सहारा भी देती है थोड़ा सा आपको फास्टिंग करने में। इधर मैंने ये पकने रख दिया, अभी मैं देखती हूँ थोड़ा सा और पकाऊंगी इसे, 10-15 मिनट और पकेगा। इसमें मैंने ऐड कर दी है 2 चम्मच चीनी बड़ी वाली, अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा कुछ भी। अब मैं बना रही हूँ चना ऑमलेट। चना ऑमलेट के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है दूध, दूध में मिलाएंगे थोड़ा, तो आधा पानी आधा दूध मिला लेंगे, और इसमें ऐड कर देंगे सारे ड्राई फ्रूट, नारियल, तुलसी पत्ता, दही। दही मैं इसमें बिल्कुल सबसे लास्ट में ऐड करूँगी, जब मैं भोग लगाऊंगी भगवान जी को, कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, तब मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। और इसमें तुलसी पत्ता और शहद सब कुछ ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ पे मिश्री, मेरे पास शहद नहीं अवेलेबल नहीं था, मैंने मिश्री डाल दी, कुछ भी मीठा डाल सकते हो, और यही सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। देखो इधर खीर पकनी शुरू हो गई है, पक रही है। और भैया खीर जब तक सिम गैस पे 15-20 मिनट नहीं पके ना, तब तक मतलब मज़ा ही नहीं आता खीर में, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बननी चाहिए, एकदम रबड़ी जैसी, बहुत गाढ़ी भी नहीं बहुत पतली भी नहीं, लेकिन बहुत रबड़ी जैसा टेस्ट आना चाहिए उसकी, तरी जो होती है ना खीर की जो प्यूरी होती है, तरी होती है, कुछ भी कह लो। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं, थोड़ी सी किशमिश और काजू बादाम, वो मैंने इस में ऐड कर दिया। ये मैं बना रही हूँ आपका यहाँ पे चरणामृत, जो भगवान जी को भोग लगाया जाता है, तो सबसे जरूरी चीजें हैं। देखो यहाँ मैंने मिश्री ऐड कर दी है और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैं दही उसमें सबसे लास्ट में ऐड करूंगी। ये मैंने थोड़ा सा कोकोनट निकाल लिया है, कोकोनट बहुत अच्छा लगता है चरणामृत में, और थोड़ा सा ही निकल पाया मुझसे जल्दी जल्दी में, ज़्यादा निकल ही नहीं पाया, मैं चरणामृत के लिए ही निकाल दिया बस थोड़ा सा, और उसको कट कर लिया है बारीक बारीक, कद्दूकस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, मुँह में बाइट आती है ना जब, तो बहुत अच्छा लगता है इसको, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग जाता है। तो बस वही कट कर लिया, और अभी से मैं इधर देखो वो खीर बन चुकी है, मैंने इसको बंद कर दिया है गैस को, क्योंकि ऐसा है ना, अभी ये अभी हम बंद कर देंगे इसको, थोड़ा सा ठंडा होके भी ये गाढ़ी हो जाएगी, तो अभी इसे मैं बंद कर देती हूँ, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। तो ये बहुत ही, क्योंकि दूध की कोई भी चीज़ हो, खीर हो, कोई भी चीज़ हो, फिरनी हो, ये सब मीन्स ये ना फ्रिज में रखने के बाद ही अच्छा इनका रियल टेस्ट आता है, मीन्स ठंडा हो जाने के बाद, ठंडा होने के बाद बहुत बढ़िया यानी टेस्ट होता है। तो भैया ये मैंने कट कर लिया नारियल, और मैंने इसे ऐड कर दिया है इसमें चना मृत में, और ये हो गया रेडी, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब मैं बनाऊंगी माखन मिश्री, माखन मिश्री के लिए मैं माखन घर पे बनाऊंगी कान्हा जी के लिए, और वो भी वाइट वाला माखन। ये देख रहे हो आप, मैंने घी ले लिया है जो मेल्टेड था, और आधा कटोरी घी था, और उसको मैंने आइस क्यूब के साथ में इस तरीके से फेंट रही हूँ, इसको फेंटेंगे 1-2-3 मिनट तक फेंटेंगे अच्छे से, एकदम क्रीम जैसा बिल्कुल मक्खन जैसा टेक्सचर आ जाएगा इसका, वाइट मक्खन, और बिल्कुल ये मक्खन बन जाएगा। फिर इसे मैं मिश्री के साथ मिला के और माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी कान्हा जी को, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है उनके भोग में, है ना। तो बस वही है, ये देखो इस तरीके से ना 1-2 मिनट इसे फेटेंगे थोड़ा सा, और फिर आइस क्यूब निकाल देंगे, ये बन गया हमारा माखन, फेवरेट चीज सबसे ज्यादा। और बाजार में इस समय वैसे भी बाजार से वाइट मक्खन या कोई सा भी मक्खन, ऐसी कोई भी चीज़ मंगाना ठीक नहीं है जो हम वॉश नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा ये है, और मिलता भी नहीं है वाइट मक्खन जल्दी से, तो मैंने तो घर में ही बना लिया, और इससे बढ़िया तो कुछ और हो ही नहीं सकता कि घर की कोई चीज़
काला जी को भी बहुत पसंद आएगा आई होप। और मेहनत की है तो फल भी मिलेगा उसका। और क्या, देखो कितना यमी मक्खन बना है ना, एकदम टेस्टी, बहुत ही यमी बना था और बहुत बढ़िया। मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल लिया है इसमें, बाकी ऐसे ही रख दिया है, वो यूज़ हो जाएगा पराठों वराठों में, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा सा ही प्रसाद के रूप में ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाल के उसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच मिश्री मिला दी। मैं हर साल माखन मिश्री का भोग जरूर लगाती हूँ कान्हा जी को, और बाकी तो भाई उनकी मेहर है, उनकी मेहरबानी है कान्हा जी की, कि क्या हम कर पाते हैं, है ना। हम लोग कौन होते हैं कुछ करने वाले, सब भगवान की मर्जी होती है, ये तो उनकी कृपा होती है और क्या होता है। बस ये देखो वो बनाकर मैंने रख दिया फ्रिज में, और अब मैं इस पंजीरी को कट कर रही हूँ। मैंने आलू भी उबाल लिए हैं, अरबी भी उबाल ली है तो थोड़ी सी, और क्योंकि मैंने बाकी सबके लिए दाल चावल बनाए थे, वहाँ किसी को भी व्रत का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना था, सब टेस्ट के लिए ही बस कह रहे थे हम थोड़ा बहुत टेस्ट कर लेंगे, तो उन सब बाकी घर वालों के लिए सबके लिए मैं दाल चावल बनाए थे। ये देखो पंजीरी कितनी यम्मी यम्मी बनी है ना, एकदम पतली है और मीन्स बहुत बढ़िया कड़क के, एकदम बहुत ही यम्मी टेस्ट था, एकदम हर ड्राई फ्रूट का टेस्ट आ रहा था, खाने में बहुत बढ़िया बनी थी। होप कान्हा जी को भी बहुत पसंद आई होंगी, कृष्णा जी को हमारे, और क्या मेहनत करिए तो रंग लाएगी लाएगी, है ना। देखो कितनी यमी बनी, और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मेरी मम्मी ऐसे ही पंजीरी जमाती थी, जब भी मैं पंजीरी जमाती हूँ मुझे उनकी याद आ जाती है, उनके साथ खड़ी होके खड़ी हो जाती थी, मैं देखती रहती थी कैसे बन रहा है क्या बन रहा है। और ये हरीरा बन गया है बिल्कुल, ये खीर तैयार है एकदम रेडी। और अब मैंने छौंकी है अरबी, अभी मैंने बॉईल कर ली थी, और बॉईल करके उसको पान गरम गरम ही ठंडा कर लिया पहले, और फिर से मैंने फ्रिज में रख दिया था 1-2 घंटे के लिए। तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छी से पील हो जाती है और इसमें लेस लेस ज़्यादा नहीं बनती, ये बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर 1-2 घंटे के लिए आप ना टाइम हो आपके पास तो उबाल कर उसको फ्रिज में रख पा से, और फिर देखो कितने अच्छे से पील हो रही है और ज़रा सा भी कुछ नहीं, और पीसेस कितने अच्छे कटे हैं इसमें, है ना। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है, क्योंकि अरबी और अजवाइन का तो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने अब क्योंकि मैं व्रत में बना रही हूँ तो मैंने इसमें सेंधा नमक डाला है, लाल मिर्च डाल दी थोड़ी सी, हल्का सा गर्म मसाला डाल दिया बस, और तो ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकते। अगर बिना व्रत के बनाओ तो आप बहुत सारी चीज़ ऐड कर सकते हो, प्याज व्याज या और भी कुछ, हरी मिर्च वगैरह, इस टाइम हरी मिर्च भी अवेलेबल नहीं थी। बस इसको इसी तरीके से भून लेंगे थोड़ा सा, 5-10 मिनट, जब तक मैं आलू छीलूंगी अभी जो है बहुत अच्छे से भुन जाएगी। इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से ना स्क्रेप कर करके ना इसे लगने नहीं देना है नीचे कढ़ाई में, लेकिन इसे भूनते रहना है, और भूनने से इसका टेस्ट यामी सुपर यामी हो जाएगा। वैसे तो बहुत लोग तो जब बिना व्रत के बनाते हैं तो इसमें बेसन भी डाल देते हैं, और अलग अलग तरीके हैं अरबी बनाने के बहुत सारे, हल्दी भी डालते हैं, लेकिन हम फास्टिंग में बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने फास्टिंग में सिर्फ बेसिक मसाले सेंधा नमक लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला अजवाइन डाली, हींग भी नहीं डाली, हींग फास्टिंग में हम नहीं खाते। बस अब ये देखो भुन चुकी है, उधर मैंने आलू पील कर लिए हैं सारे और मैंने इसको निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। ये भी मेरी मम्मी की रेसिपी है, और मेरी मम्मी इसी तरीके से अरबी बनाती थी, और बहुत मीन्स बहुत ही टेस्टी बनाती थी। आज मम्मी की बहुत ही याद आ रही वाकई में। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, अब मैंने ये आलू पील कर लिए हैं, यह है कुट्टू का आटा थोड़ा सा, इसमें हम मिला लेंगे नमक सेंधा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, इस समय है नहीं मेरे पास तो मैंने ऐसे ही डाल दी हरी लाल मिर्च थोड़ी सी, और नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसमें इसको मिलाएंगे, एक फेंट लेंगे थोड़ा सा, कि इससे क्या होगा ना इसमें जो लेस होती है ना वो निकल आएगी, अच्छे से फिट जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको मिलाएंगे, फिर बहुत बढ़िया सा है ना एक टेक्सचर आ जाएगा, कुट्टू का आटा अच्छे से फूल जाएगा, जो कि फूल जाना चाहिए इस टाइम पे। इस तरीके से थोड़ा सा फेंट लेंगे 1-2 मिनट बस, और क्या है, इसमें आलू ऐसे ही तोड़ के मिला देंगे, कट करके भी डाल सकते हो,
लेकिन हर तरीके के पकौड़ों की अपना अलग टेस्ट होता है और एक अलग टेक्सचर होता है। तो इस तरीके की बना के देखिएगा, कभी नहीं देखे हो तो। ये भी बहुत बढ़िया यमी टेस्ट देते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। बिल्कुल तेल खौलता हुआ होना चाहिए, गरम तेल होना चाहिए, और उसके अंदर आप इसको इस तरीके से आलू कोट कर करके डालते जाइए। वो तो खुद ही इसमें सब मिल जाते हैं, और यहाँ पर बस मैंने इसे सेक लिया था। और यहाँ सेकने के लिए धीरे धीरे अपना सीखते रहेंगे, तेज आंच पे। देखो कितने बढ़िया पकौड़े बने, एकदम क्रिस्पी, फर्स्ट क्लास। डबल भी, दो बार भी आप इसे मतलब फ्राई कर सकते हो। वैसे एक बार में ही फ्राई करने में अच्छे हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें आलू बॉयल हुआ हुआ होता है तो ये जल्दी भी सिक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो कितने क्रिस्पी बने ना, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो तोड़ के दिखाते हैं, आलू भी अंदर से बॉयल हुआ हुआ है और ये बिल्कुल सब कुछ पक गया है अंदर से। ये बन गई थी हमारी फाइनल थाली कान्हा जी के लिए। कोटी के पकौड़े, दही है और अरबी है। दही का भी मैं रायता बनाने की सोच रही थी लेकिन नहीं बना पाई, इतना टाइम नहीं बचा था। और ये हुआ हरीरा, और ये हो गई हमारी पंजीरी, कोकोनट, और ये मखाने की खीर, माखन मिश्री सबसे फेवरेट, और ये है चना मटर। होप खाना जी को पसंद आया होगा मेरा एफर्ट, और जो भी कुछ मैंने बनाया थोड़ा बहुत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा